नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर फास्ट T20 वीकली करंट अफेयर शो में। और ये करंट अफेयर 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2018 तक के बीच का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया। इसकी अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। CEO और MD जो है सुरेश कुमार सेठी है। अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। राजस्थान सरकार भामाशाह योजना के तहत BPL परिवार की महिलाओं को मोबाइल फोन वितरित करेगी। आपको बताते चले कि यहाँ के CM वसुंधरा राजे तथा राज्यपाल कल्याण सिंह हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व की सबसे बड़ी संचार सेवा समूह WPP PLC ने मार्क रीड को मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। गौरतलब हो कि वो मार्टिन सॉरेल का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर। ये 3 यूरोपीय देश साइप्रस, बुल्गारिया और चेक गणराज्य है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया तथा यहाँ की मुद्रा यूरो है। चेक गणराज्य की पराग तथा चेक कोरुना यहाँ की मुद्रा, बुल्गारिया की सोफिया और यहाँ की बुल्गारियाई लेब यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आरिफ अलवी को पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब हो कि यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद तथा यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। काजंद नामक संयुक्त सेना अभ्यास भारत और कजाकिस्तान सेना के बीच 10 से 23 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। गौरतलब हो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तथा 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस पहली दफा 2013 में मनाया गया था। डॉक्टर पूनम सिंह WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक के रूप में उन्हें फिर से चुना गया। गौरतलब हो कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 यानी समलैंगिकता एक अपराध को समाप्त कर दिया है। यह जो समलैंगिकता से संबंधित जो धारा थी, यह तकरीबन 1862 में इसे अपराध घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना को अधिक प्रोत्साहन के साथ ओपन एंडेड योजना के तहत ओवरड्राफ्ट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। इसके अलावा रुपए कार्ड धारकों को जो सीमा थी 1 लाख तक जो वहां पर दिया था एक्सीडेंटल क्लेम, वह बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। भारत श्रीलंका संयुक्त नौसेना अभ्यास लाइनेक्स 2018 श्रीलंका में शुरू किया। गया वो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपला सिरीसेना, राजधानी जो है यहाँ की वह कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले गतिशीलता शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाना है। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने BSNL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किया। गौरतलब हो कि BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक श्री अनुपम श्रीवास्तव है। और अब रुख करते हैं एशियाई खेलों पर कुछ विशेष। एशियाई खेलों में भारत के 22 वर्षीय अमित पंघल ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। आपको बताते चले कि इस बार बॉक्सिंग का शुभंकर भिनभिन काका और आतुंग था। भारत के 60 वर्षीय प्रणब प्रधान और 56 वर्षीय शिवनाथ सरकार ने ब्रिज इवेंट में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में भारत ने कुल 69 पदक में कुल 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ 8वें स्थान पर खेल का समापन किया। समापन समारोह में ध्वजवाहक रानी रामपाल थी। अठारहवें एशियाई खेलों में जापान की इकी रिका को, जो कि तैराक है, को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्थात मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया। अगला एशियाई खेल 2022 में हांगझाऊ चाइना में खेला जाएगा। एलिस्टर कुक ने भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद संन्यास लिया। 160 उन्होंने कुल 160 टेस्ट में 12,254 रन के साथ 32 सेंचुरी भी बनाई है।
आरपी सिंह ने 13 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। आरपी सिंह 2007 टी20 विश्व विजेता टीम भारत का हिस्सा थे। भारत के सौरभ चौधरी ने ISSF के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इसका फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। यह फिलहाल चांगवांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। और अब रुक करते हैं कुछ फटाफट खबरों पर। बिनॉय कुमार इस्पात मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किए गए। SBI ने बेंचमार्क उधार दर को 2.02% तक बढ़ाया। इसके अलावा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन आयोजित किया गया। गुजराती लेखक एवं पत्रकार भगवती कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन। जैन मुनि तरुण सागर का लंबी बीमारी के बाद 51 वर्ष की उम्र में निधन। और नीति आयोग के अनुसार भारत जल्द ही वन नेशन वन कार्ड लागू करेगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को दबा दो हर नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।